सो वो प्रोडक्ट ये है जिसका नाम है गंदा ब्रोजा. थोड़ा सा अजीब सा Assalamoalikum everyone, welcome back to my channel. कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे और खैरियत से होंगे. सो आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है गर्ल्स के लिए, स्पेशली गर्ल्स के लिए. बहुत सारी गर्ल्स मुझे FB और Instagram पे मैसेजेस करती हैं. बहुत सारी हमारी ख़वातीन की ऐसी बातें होती हैं जो प्राइवेट होती हैं, ठीक है, जो आप अपनी अम्मी, दोस्त और जो होते हैं घर में खाला, फूफो, नानी, जो भी होते हैं उनसे डिस्कस करने में आप बहुत शेम फील करते हैं. आप लोगों को ऐसा लगता है कि ये बात हमें नहीं करनी चाहिए. जैसे एक कहते हैं ना कि बंदा किसी के साथ डिस्कस नहीं कर सकता, तो वही ख़वातीन और जो वो गर्ल्स होती हैं, ख़ासकर टीनेजर्स में ये बहुत होता है. क्योंकि अगर मुझे देखा जाए तो मतलब मुझ में कॉन्फिडेंस बहुत है, तो इस तरह मतलब नहीं ऐसा फील कर सकती कैमरे के सामने मैं जिस तरह बात कर सकती हूँ. बहुत सारी ख़वातीन ऐसी भी होती हैं, जैसे आप पंजाब साइड या हमारे विलेज एरिया की तरफ चले जाएं तो वहाँ बहुत सारी जो लड़कियाँ होती हैं वो इस तरह होती हैं कि वो किसी से डिस्कस नहीं कर सकती अपनी प्रॉब्लम्स. अब हम ख़वातीन की बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, अब उनमें बहुत सारे जो है मसले मसाइल होते हैं, वो अपनी अम्मी और किसी फ्रेंड से डिस्कस नहीं कर सकती. तो वो क्या करती हैं भाई, यूट्यूब में जाती हैं और अपने मसाइल के हल गूगल या यूट्यूब से सर्च करने लग जाती हैं. उन्हें हम इन मसाइल के हल भी मिल जाते हैं, लेकिन इस तरह डिटेल के साथ उन्हें कोई भी कोई चीज़ नहीं समझाता. तो आज इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं गर्ल्स की एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर लूँ. सो आज की जो वीडियो है वो उन गर्ल्स के लिए जो अपनी प्रॉब्लम्स किसी के साथ शेयर नहीं करते. अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं इस वीडियो को देखने के लिए तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, और जल्दी से थम अप करें. और अगर कोई भी क्वेश्चन होता है आपका इस वीडियो से रिलेटेड, या आपकी कोई भी रिक्वेस्ट होती है इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें. डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप ज़रूर पढ़ लिया करें, क्योंकि वहाँ पे मैं कोई भी डिटेल होती है जो मैं वीडियो में ना दे पाऊँ तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं ज़रूर दे देती हूँ. तो चले वीडियो स्टार्ट करते हैं. सो फाइनली आज हम बात करने वाले हैं उन टॉपिक्स के बारे में जो आप गूगल और यूट्यूब पर सर्च करते हैं. आप हों या मैं हूँ या हमारी तरह और टीन एजर्स हों, वो ऐसी चीज़ें जो है किसी से डिस्कस करना पसंद नहीं करती, क्योंकि इसको बुरा समझा जाता है, इसको डिस्कस नहीं किया जाता अपनी अम्मी वगैरह खाला इनसे. बहुत कम ऐसी ओपन माइंडेड गर्ल्स होती हैं, या ओपन क्या कह सकते हैं आप उसको, शर्मीली ना हो. हमारे माशरे में बहुत सारी ऐसी गर्ल्स मौजूद हैं जो बहुत शर्माती हैं. इनफैक्ट मैं तो कभी भी ऐसे नहीं थी कि मैं शर्माऊँ, तो मैं ऐसा नहीं कहूँगी, लेकिन बहुत सारी हमारे कज़न्स हो जाते हैं, बहुत सारे मतलब ख़ानदान में ही हमारे इतने मौजूद होते हैं कि वो इतना शर्माते हैं कि अगर उनको डॉक्टर के पास भी ले जाएं तो वो मतलब अपनी बीमारी बयान नहीं कर पाते. बहुत सारी गर्ल्स ऐसी होती हैं. सो आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है. तो आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ हेयर रिमूव के बारे में, ठीक है जी. हेयर रिमूव क्या होता है तो वो आप लोग सबको पता होगा कि हमें जो है अल्लाह ताला की तरफ से भी ये हुक्म है कि हमें पाक साफ़ रहना है, ठीक है जी. अब पाक साफ़ का मतलब ये नहीं होता कि हमें सिर्फ नहाना है और अच्छे कपड़े पहन के खुशबू लगा लेंगे, इसका मतलब पाक साफ़ नहीं होता. गुसल जो है, गुसल हमें करना पड़ता है. तो गुसल वो क्या होता है, एक प्रॉपर तरीका है गुसल करने का. सो कैमरे के सामने ज़्यादा डीपली बात नहीं करेंगे, तो आप सब समझ चुके हैं कि किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं. तो बहुत सारी जो गर्ल्स होती हैं वो उनकी ज़्यादातर मैंने यही वो देखी है कि अगर हम क्रीम्स वगैरह जब यूज़ करते हैं तो उससे हमारे जो बॉडी पार्ट्स हैं वो डार्क हो जाते हैं. तो डेफ़िनेटली अगर आप कोई क्रीम वगैरह यूज़ करेंगे, अभी किसी स्पेशल जो है ब्रांड का नाम मैं यहाँ अनाउंस नहीं करूँगी, आप समझ चुके होंगे बहुत सारे ब्रांड्स हैं हमारे यहाँ, हम वो यूज़ करते हैं, उसको यूज़ करने के बाद हमारी स्किन ब्लैक हो जाती है, रफ़ हो जाती है, रैशेज़ हो जाते हैं. और बहुत सारी ख़वातीन तो ऐसी होती हैं उनको एलर्जी हो जाती है, तो एलर्जी हो जाती है उनको मतलब फिर डॉक्टर के खर्चे अलग हो जाते हैं, और फिर उनमें नींबू रगड़ना, बेसन रगड़ना, ये सारी चीज़ें आप करते हैं. तो क्यों ना इस चीज़ को आसान बनाया जाए, क्यों ना एक ऐसी चीज़ आप लोगों को मैं शेयर करूं आप लोगों के साथ कि आप लोग इस ब्लैकपन से भी दूर हो जाएं. यानी जो वो एक सियाह कलर जो बन जाता है आपके अंडर आर्म्स और बिकनी एरियाज़ में, तो क्यों ना उसको हल किया जाए. तो हम आज स्टार्ट करेंगे. आज का जो मेरे पास प्रोडक्ट है वो है ये.
ये छोटी सी टिप भी देख के बहुत सारी खवातीन को पता चल गया होगा कि आज मैं किस चीज़ के बारे में आपको बताने वाली हूँ। तो और अगर जिनको नहीं पता तो भी मैं आपको बताने वाली हूँ, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो इसको ज़रूर आप लोग देखें, समझें, और कोई भी क्वेश्चन हो बिना झिझक आप पूछ सकते हैं। नहीं तो फिर मेरी इंस्टाग्राम की आईडी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर देती हूँ, आप वहाँ भी मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इस हवाले से। सो अब मैं स्टार्ट करने वाली हूँ इस प्रोडक्ट के बारे में डिटेल। सो गर्ल्स, वो प्रोडक्ट ये है। सो आप लोग भी बहुत ज़्यादा हैरान हो गए होंगे कि मतलब खान ऐश ने इतना ज़्यादा लेक्चर दिया, वो भी इस छोटी सी डिब्बी के। तो जी हाँ, इसको बिल्कुल भी हल्का मत लें, क्योंकि ये वही मिसाल है खोदा पहाड़ निकला चूहा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये छोटे से पैक में इतना बड़ा धमाका होने वाला है इस चीज़ के बारे में। अगर आप लोग को अभी तक नहीं पता, और पता चलने के बाद जो है आपकी लाइफ जो है ना सेट हो जाएगी। जी हाँ, बिल्कुल सेट हो जाएगी। अगर आप लोग चाहते हैं कि इसकी डिटेल में आप लोग को बताऊं तो वीडियो देखते रहें। ये जो होता है एक इस तरीके से डिब्बे में आता है, और ये 2 से 2 इंच का है, ज़्यादा 2 इंच का ये डब्बा है। और इसमें जो प्रोडक्ट मौजूद है उसी से हेयर रिमूव करना पड़ता है। जी हाँ, और ये एक डिब्बा आप लोगों का तकरीबन 3 महीना आराम से चल जाएगा। जी हाँ, 3 महीना बिल्कुल आराम से आपका ये डिब्बा चलेगा। इसमें मौजूद जो मटेरियल है वो थोड़ा सा सॉलिड टाइप का होता है, लेकिन गर्मियों में जो होता है ये लिक्विड टाइप का हो जाता है। और अभी भी जो इसका जो कैप है वो चिपचिपाहट सा हो रहा है। इसको देख के आपको हलवा वैक्स या फिंगर वैक्स ज़रूर याद आ गई होगी। फिंगर वैक्स जो होती है वो लगाने के बाद हमें इस तरह से उसको जो है हटाना पड़ता है हाथ से, लेकिन इसका ऐसा कोई सीन नहीं है। तो इसका यूज़ का तरीका भी मैं आपको बताऊँगी कि इसको यूज़ कैसे करना है। इसकी थोड़ी सी मैं आप लोग को डिटेल दे देती हूँ। ये अब आप देख सकते हैं स्क्रीन में कि ये थोड़ा सा लिक्विडी सा और चिपचिपाहट गोंद टाइप का लग रहा है। तो जी हाँ, ये एक किस्म की गोंद ही होती है, जो कि मरी और हमारे नॉर्दर्न एरियाज जो होते हैं वहाँ पे एक पौधा होता है। उस पौधे में जो मटेरियल होता है वो उससे जो है ये निकाला जाता है। ये इस तरीके से होता है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये बहुत ही ग्लू टाइप का लग रहा है, ठीक है जी। इसको यूज़ करने का तरीका मैं भी बताऊँगी। अब इसके फ़ायदे आप सबसे पहले सुन लें। इसके फ़ायदे ये हैं कि अगर आप लोग जो है टीनेज की गर्ल्स हो और उनको हेयर रिमूव की ज़रूरत पड़ जाए। अब हमारे टीनेजर्स जो होते हैं उनको भी हेयर रिमूव करना होता है। हमारी जो मदर्स वगैरह होती हैं वो उनको भाई क्रीमें वगैरह थमा देती हैं कि लो भाई इसी से करो। उससे क्या होता है कि बहुत ही कम उम्र में उनकी जेल जो होती है वो बहुत ही रफ़, ड्राई और ब्लैक हो जाती है। हमारी बहुत सारी खवातीन होती हैं, 100 में से 75-80% जो खवातीन होती हैं उनकी स्किन जो है वो ब्राउन से ब्लैक हो जाती है। उनको अपनी स्किन अच्छी नहीं लग रही होती, दूसरों के अंडर आर्म्स देख के उनको मतलब अपना आप बहुत अजीब लगता है। इसी वजह से वो स्लीवलेस कपड़े नहीं पहन सकते, वो कोई नेट वाले आस्तीन नहीं लगा सकते, वो किसी के सामने मतलब भाई अपने अंडर आर्म्स नहीं शो करा सकते। वो इसीलिए उन्हें शेम फील हो रहा होता है। तो अगर अभी तक आप लोगों को भी शेम फील हो चुका है अपनी लाइफ में, और अब आप आगे चाहते हैं कि आपको शेम फील ना हो, तो आप ये यूज़ करना शुरू कर दें। इससे क्या होगा, इसके साथ साथ आपको एक टिप भी करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से अगर आपके अब तक जो है आपने क्रीम्स वगैरह से अपना हाल बुरा कर लिया है तो उसको अब किस तरह सेट करना है। अब रिपेयर भी तो करना होगा, जब आपने एक चीज़ ख़राब की है तो उसको रिपेयर भी करना पड़ेगा। तो अब मैं इसकी थोड़ी सी डिटेल दे देती हूँ। ये एक किस्म की गोंद होती है, जिसको अब आपको इस तरह से इसका कैप होता है, ये बहुत चिपचिपाहट सी होती है। इससे आपको टेंशन नहीं लेनी, यही आपका काम करेगी। इस तरह से आपने इसको थोड़ा सा अमाउंट जो है लेना है हाथ में। अब आप देख सकते हैं कि ये किस तरह मेरी फिंगर में आ चुकी है, ठीक है जी। इसको लेना, अब बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि अगर एक एक फिंगर से हम जो है अपने हेयर उखाड़ने बैठ जाएंगे, इस तरह से हमें जो है अपने बाल पुल आउट करने हैं, इस तरह से हमें खींचने हैं, ठीक है जी। मैं आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगी भी कि कैसे। अब आप बोलेंगे ये बहुत तकलीफ दे होगा, ये बहुत पेनफुल होगा। तो जी हाँ, ये प्रोसेस थोड़ा पेनफुल ज़रूर है, लेकिन ये बहुत अच्छा है। इससे आपकी स्किन का जो कलर होगा वो बिल्कुल बरकरार रहेगा, मतलब ब्लैक होने का तो चांस ही नहीं है, क्योंकि आप ना इसको लगा रहे हो ना कुछ। आप सिर्फ इसको अपने फिंगर में लेके इस तरह अपने अंडर आर्म से इस तरह आप अपने बाल, ये कोई मतलब बॉडी वैक्स नहीं है, ठीक है। अगर आपके चिन पे बाल हो जाते हैं तो ये बहुत बेस्ट है। अगर आप इसका इस्तेमाल 2 से 3 महीना करते हैं तो आपका हेयर ग्रोथ जो है
60% कम हो जाएगा. अब मैं झूठी तसल्लियाँ आपको बिल्कुल नहीं दूंगी कि इसको इस्तेमाल करने के बाद आपकी हेयर ग्रोथ होगी. नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता. ये एक नेचुरली चीज़ है. लेकिन इससे ये होता है कि जब आप फिंगर की मदद से अपने आर्म पैडीज जो आपके होते हैं, अंडर आर्म्स होते हैं, उससे खींच खींच के जब आप बाहर निकाल लेते हो तो वो जड़ से निकल आते हैं. और जब एक चीज़ आपकी जड़ से ही निकल आएगी तो उसको दोबारा उगने में बहुत टाइम लगता है. तो तकरीबन अगर आप 3 महीने इनका यूज़ करते हो तो आपका जो हेयर ग्रोथ होगा वो बहुत ही कम हो जाएगा. सो गर्ल्स, मैं आपको अपने हाथ पे ये टेस्ट करके दिखा रही हूँ कि इसको आपको किस तरह यूज़ करना है. आपने थोड़ा सा अमाउंट जो है अपने फिंगर में लेना है और इस तरह चिपचिपाहट सी होगी आपकी फिंगर. और आपने अपना बाल को इस तरह पकड़ना है, इस तरह, ठीक है. उसके बाद ऐसे आपको खींच लेना है. अब आप ये देख सकते हैं, आपको ये दिख रहा होगा. हैंड्स के बाल जो होते हैं वो बहुत बारीक होते हैं. तो अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह नरम और मुलायम बाल आपके अंडर आर्म्स और अंडर लेग्स पे भी हों तो आप जो है यही प्रोसेस करेंगे. आपको मैं दोबारा करके दिखा देती हूँ. और आप मेरे हाथ पे देख सकते हैं कि जिस जगह से मैंने बालों को खींचा है वहाँ मेरी स्किन कितनी सॉफ्ट स्मूथ सी हो गई है. इसको ये प्रोसेस करने के बाद आपको बहुत सारा सूथिंग लोशन अप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि आपने जो है ये जड़ से निकाले होंगे. अब आप देख सकते हैं, ये देखें, ठीक है. ज़रूरी नहीं है कि ये आप जो है एक ही दिन में अपने आप को बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर कर दें. अगर आप न्यू इसको यूज़ कर रहे हैं तो तकरीबन आपको 3 से 4 दिन अपने आप को क्लियर करने में लगेंगे क्योंकि आपको ये बहुत ज़्यादा पेनफुल लगेगी और ये मेथड थोड़ा हार्ड लगेगा. लेकिन अगर आप लोग ये मेथड अप्लाई करने लग गए अपनी बॉडी पे तो यकीन जाने आप हर मसले का हल आपका इस छोटी सी डिब्बी में होगा. सो गर्ल्स, डिटेल के साथ मैंने आपको इसका यूज़ बता दिया है. बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि इतनी मेहनत कौन करे. सो भाई, अगर आपको क्लीन एंड क्लियर स्किन चाहिए तो भाई मेहनत तो करनी पड़ेगी. बहुत सारे लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं जो ये कहते हैं कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव प्रोडक्ट भी हमने बाय कर लिया लेकिन हमें 0 रिज़ल्ट मिला है. तो भाई, इसकी टेंशन आप बिल्कुल भी नहीं लें. ये आपको पंसारी स्टोर से बिल्कुल ईजीली अवेलेबल होगा. हर पंसारी स्टोर पर यह आपको मिल जाएगा. सिर्फ 30 रुपये की ये डिब्बी है. इलाके का फ़र्क होता है. कहीं आपको ये 40 की भी मिल सकती है और कहीं आपको ये 50 रुपये की भी मिल सकती है. इससे ज़्यादा हाई प्राइस इसके बिल्कुल भी नहीं है. 30 से 40 या 50 रुपये में आप ये डिब्बी ले लें और 3-4 महीने तक आप समझें भूल जाएं. अभी भी मेरे हाथ चिपचिपे से हो रहे हैं क्योंकि ये एक दफ़ा अगर आप इसको टच करके आप अप्लाई करेंगे तो समझें 1.5 जो आपका बॉडी पार्ट होगा वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है. क्योंकि ये इतनी चिपचिपाहट टाइप इसमें है कि आप जस्ट अपने हेयर को पकड़ के पुल करेंगे और वो निकलते आएंगे. धोने के बाद भी आपके हाथों में चिपचिपाहट सी होगी. तो टेंशन आपको बिल्कुल नहीं लेनी. थोड़ा सा टाइम लगेगा. थोड़ा सा अपने बॉडी को आप लोग टाइम दें, अपने आप को टाइम दें, अपनी स्किन को टाइम दें, ठीक है. काम काज में आप लोग टाइम देते रहते हैं, अपने लिए भी टाइम निकालें और ये वाला मेथड आप ज़रूर यूज़ करें. बहुत ही डिटेल के साथ मैंने आप लोग के साथ वीडियो शेयर की है. होप आपको सब कुछ क्लीन एंड क्लियर समझ आ चुका होगा. स्पेशली ये वीडियो उनके लिए थी जो मुझे इंस्टा और मैसेंजर पर मैसेजेस करते हैं और इस हवाले से पूछते हैं ये क्या चीज़ है, आप क्या यूज़ करते हो, ये वो. सो आज मैंने अपना पर्सनल जो है प्रोडक्ट आप लोग के साथ शेयर किया है. होप आपको हर चीज़ क्लियर समझ आ चुकी होगी. फिर भी मेरे बहुत सारे मेंबर्स होंगे जिनको कुछ समझ ना आया हो. सो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम या मैसेंजर पर मैसेज कर सकते हैं. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी लिंक मौजूद होती है. सो होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी. टिल देन, टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.